किसने कितना छुपा कर तिजोरी में और किसने कितने छुपा कर बोरे में और किसने छुपा कर कितना पैसा रखा है। ये शेयर मार्केट गिरता है जब, तो सरकार और गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बहुत बड़ी काम आती है। और अगर शेयर मार्केट नीचे नहीं जाएगा, किसके पास कितना काला धन है और कितने क्रिप्टो करेंसी के धन इकट्ठा करके रखे हैं, वो शेयर मार्केट में आज के डेट में लगाएंगे और जैसे ही वो समझ गए, हम तो समझते हैं और हम जो बोल रहे हैं वो बड़े बड़े स्क्रीन वाले भी समझते हैं कि जिसने भी छुपा के रखा है अगर वो आज निकालेगा खरीदने के लिए, शेयर मार्केट में लगाने के लिए, और ये पैसा 3-4 गुना होता है, उसके बाद छोटे लोग जिंदगी भर छोटे ही रह जाएंगे। ऐसा सिस्टम आज से नहीं, शुरू से बना दिया गया है। तो अगर अपनी स्थिति शेयर मार्केट में बनाना चाहते हो और कुछ कमाना चाहते हो, तो इंट्राडे टेक मुंबई को फॉलो करो और MBA BK सिंह की बातों को, एक एक छोटी से छोटी बातों को सीरियस लो, गंभीरता से लो, शेयर मार्केट में ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज खरीदने का मौका है, आज ही नहीं अभी और कुछ दिन चलेंगे, घबराना नहीं। हो सकता 50% भी तुम्हारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाए, लेकिन घबराना नहीं, डरना मना है, वरना ख़त्म हो जाएगा पोर्टफोलियो। अगर बेचोगे, जिस दिन बेचोगे उसी दिन ऑपरेटर उसी स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा, फिर कहोगे अरे यार कैसे बेचती है। ये बहुत बड़ी खेल है और इस खेल में जो फंसा वो निकल नहीं पाता है। ये हमारी बातें नज़रअंदाज जिसने किया, वो बाद में आने वाले समय में हम याद आएंगे, आपको ज़रूर आएंगे। चलिए आपको बता दें कि शेयर मार्केट गिरता इसीलिए है कि जो पैसा छुपा कर रखे हैं वो निकालें और उसमें लगाएं, और लोगों को, कंपनियों को जो लूटने वाले हैं उनको राजा बनाएं। समझदारी इसी में है कि पैसा अभी रखिए, अभी मत लगाइए, 2-4 दिन और देखिए क्या होता है कोरोना का कहर का प्रभाव शेयर मार्केट में।